सो गाइस आज की वीडियो में हम लोग होवरबोर्ड का रिव्यू देने जा रहे हैं। और गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप होवरबोर्ड को इजीली किस तरीके से चलाना सीख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को एंडिंग तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी आप जरूर लाइक करके जाएं। तो चलिए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस इस होवरबोर्ड के फ्रंट में आपको आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पावर बटन मिलता है और यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है, और ये दोनों इसकी हेडलाइट्स हैं। और ये बटन हमने अलग से लगाया है इसमें इसकी लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए, क्योंकि इसमें लाइट्स ऑन ऑफ करने का बटन नहीं था। और गाइस अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये बटन हमने किस तरीके से इसमें लगाया है तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने किस तरीके से इसके अंदर फिट किया इस बटन को। और गाइस यहाँ पे साइड में आपको लाइट्स मिलती हैं, इधर भी आपको लाइट्स मिलती हैं, ये आपको दो पैड मिलते हैं जिसपे पैर रख के आपको इसे चलाना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप होवरबोर्ड चलाना किस तरीके से सीख सकते हैं। तो गाइस तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें मूवमेंट किस तरीके से करना है, मतलब आपको इससे आगे पीछे किस तरीके से होना है। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा होवरबोर्ड है, ये हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इसके दोनों पार्ट्स अलग अलग चलते हैं, उनको आप अलग अलग इस तरीके से घुमा सकते हैं। और गाइस इसको आगे पीछे करने के लिए आपको हल्का सा इस तरीके से अपने पैरों से आगे दबाना होता है, और हल्का सा इस तरीके से आपको पीछे दबाना होता है, इससे आप आगे पीछे कर सकते हैं। और लेफ्ट जाने के लिए आपको हल्का सा राइट साइड से इस तरीके से दबाना होगा तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा, और जब आप लेफ्ट साइड से हल्का सा दबाएंगे तो ये राइट साइड में जाएगा। तो गाइस तो ये दो अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, लोगों को भी पता नहीं होता है, तो ये दोनों पार्ट्स अलग अलग काम करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसे चलाना कैसे है। सो गाइस होवरबोर्ड को चलाना सीखने के लिए आपको सबसे पहले उसके ऊपर खड़ा होना सीखना पड़ेगा। तो फिर चलिए मैं इसे ऑन कर देता हूँ। तो गाइस ये अब ऑन हो चुका है, तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको इसके ऊपर खड़ा किस तरीके से होना है। तो पहले उस लोग क्या करते हैं कि दोनों पैर एकदम से रख देते हैं, कि ये पैर रखा उसके बाद तुरंत दूसरा पैर रख दिया, तो इससे क्या होता है आप डिसबैलेंस हो सकते हैं इस तरीके से, और आप इससे गिर भी सकते हैं। लेकिन गाइस आपको इस तरीके से खड़ा नहीं होना है, इस पे पहले आपको इस पे अपना एक पैर रखना है और इस पे आपको बैलेंस बनाना है। होता क्या है स्टार्टिंग में जब आप अपना पहला पैर रखेंगे इस तरीके से तो ये अपने आप ही इस तरीके से घूमने लगता है गोल गोल, तो आपको ये नहीं करना है, आपको अपना पैर रखते ही इसे रोकना है, इसको बैलेंस करना है, जिससे इसमें ब्रेक लग जाते हैं अपने आप ही। तो आपको इसको ऊपर पैर रख के कस के आपको इसके ऊपर पैर रखना है जिससे एक ही जगह पे रुका रहे, उसके बाद आपको आराम से अपना दूसरा पैर इसके ऊपर रख देना है बैलेंस बनाते हुए। फिर उसके बाद गाइस इसमें आपको करना क्या होता है, फिर उसके बाद आपको इस पर थोड़ा भरोसा भी करना पड़ता है होवरबोर्ड पे कि आपको गिराएगा नहीं, वरना अगर आपके पैर अगर आप बहुत टाइट करके रखते हैं इस तरीके से जमा के तो भी आपको दिक्कत होगी। और गाइस होवरबोर्ड चलाने के जो मेन होता है वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो गाइस इस तरीके से होवरबोर्ड के ऊपर खड़े होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसे आगे पीछे करने के लिए दोनों पैरों को एक साथ धीरे से आगे की तरफ दबाना है जिससे आगे बढ़ेगा, और फिर जब आप दोनों पैरों को धीरे से पीछे की तरफ दबाएंगे तो ये पीछे हो जाएगा, लेकिन बहुत कसके नहीं दबाना है वरना आप एकदम से दौड़ पड़ेंगे। और गाइस अगर आपको राइट साइड में इसको मोड़ना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो लेफ्ट वाला पैर है उसको आपको हल्का सा दबाना है तो फिर ये ऐसे राइट की तरफ मुड़ जाएगा, और फिर अगर आपको लेफ्ट करना है तो आपको जो राइट वाला पैर है उसको हल्का सा दबाना है तो उससे ये लेफ्ट साइड में मुड़ जाएगा। और अगर आपको इसे 360 चलाना है तो फिर आपको दोनों पैरों को उल्टा मतलब आगे पीछे दबाना है, राइट वाले पैर को आगे लेफ्ट वाले पैर को पीछे, तो इस तरीके से 360 घूमेगा। और गाइस इस पे आपको मेन तो बैलेंस बनाने के लिए अपना खुद का बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको। तो अगर आप लोगों को स्केटिंग आती होगी तो आप इस पे आराम से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि स्केटिंग करने वालों को पहले से ही बैलेंस बनाना आता है बहुत इजीली, तो इससे आप इजीली इस पे बैलेंस बना सकते हैं। और गाइस तो अब मैं आपको इसे चलाकर दिखाता हूँ कि आप इसको किस तरीके से चला सकते हैं। तो गाइस कुछ टाइम की मेहनत के बाद जब आप इसे आराम से चलाना सीख जाएंगे तो आप इसे किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं, कैसे भी यूज कर सकते हैं घुमा के स्पीड में। और इसकी आपको मैक्सिमम स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की मिलती है, मतलब ये 20 किलोमीटर की रफ्तार चल सकता है, और तेज भी चल सकता है लेकिन आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और 30 की स्पीड से ऊपर इसका ऑटो बैलेंसिंग ऑफ हो जाता है, तो मतलब ये अपने आप बैलेंस नहीं करेगा, इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो उसमें काफी दिक्कत हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि होवरबोर्ड को कैलिब्रेट किस तरीके से करना है। तो क्या होता है होवरबोर्ड कभी कभी अपने आप टेढ़ा हो जाता है, तो उसका कैलिब्रेशन में आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं होवरबोर्ड ऑन करने के बाद ये सीधा नहीं होके ऐसे टेढ़ा हो गया है, और ये उसका सीधा भी नहीं हो रहा है, तो उसको आपको सही किस तरीके से करना है। तो पहले हम अपने होवरबोर्ड को ऑफ कर देते हैं, उसके बाद जब आप इसे ऑन करेंगे तो उससे पहले आपको इसकी पोजीशन सेलेक्ट करने ली है जिसपे आपको रखना है, जैसे मुझे एकदम सीधा रखना है इस तरीके से, तो ऐसे करके फिर मैं जो इसका पावर बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करूंगा। और गाइस जब इसमें ये बीप का साउंड आने लगे और ये रेड हो जाए इस तरीके से, उसके बाद आपको इसे ऑफ कर देना है। तो गाइस अब आप जब इसे ऑन करेंगे तो ये अपने आप ही सीधा होकर ऑन होगा। तो गाइस यही था आज की वीडियो के लिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।